उरवा बाजार पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 25,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में सीओ गोला जगत राम कन्नौजिया ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को तरैना पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान इजहार अंसारी पुत्र मुख्तार अंसारी निवासी राजगढ़ थाना गोला जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक देसी तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में उरवा बाजार थाना प्रभारी अजय कुमार मौर्य, वरिष्ठ उप निरीक्षक रवि सेन यादव, हेड कांस्टेबल अनिल सिंह, कांस्टेबल अनीश यादव, धर्मेंद्र कुमार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ गोला जगत राम कन्नौजिया ने कहा, गोला थाना गोला में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 160/21 में वांछित अभियुक्त इजहार, पिताजी का नाम मुख्तार अंसारी, जो काफ़ी दिनों से वांछित चल रहा था, 25,000 का इनामी भी है, उसी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी हुई है, पकड़ा गया। इसके पास से एक अदद 315 वर्ग कट्टा और कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार टीम में हमारी थाने के इंस्पेक्टर साहब श्री मौर्य जी और एसआई रवि सेन तथा थाने के अन्य कर्मचारी से सम्मिलित थे। इसके खिलाफ 6 मुकदमे पंजीकृत हैं, लूट के, चोरी के, इस तरह के 6 मुकदमे पंजीकृत हैं विभिन्न थानों में। ये करीब 1 साल से ऊपर हो गए फरार।